फैमिली गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है, खाने पीने की तैयारी हो रही है, साफ सफाई हो चुकी है। और आजकल ना इंडक्शन रूम में रखा हुआ है, तो आधा है खाना इधर बनाना होता है, आधा खाना उधर बनाना होता है। तो अभी सब्जी चढ़ाया हुआ है, बाकी सीम का भुजिया किचन में चढ़ाया हुआ है, और आज बनने वाला है बथुआ का साग। और बथुआ ना, पहले मुझे ना बथुआ का साग बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आजकल बहुत टेस्टी लगने लगा है और मन करता है कि डेली ही खाऊँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, ऊपर से फ़ायदेमंद भी होता है। और शिवांश को अभी दूध पिलाने के लिए लाई थी, अभी रखा हुआ है और वो पापा जी के साथ घूमने चला गया है, तो वेट कर रही हूँ, वो आएगा तो दूध पिलाऊंगी। और ये तो गए हैं अभी जिम काफ़ी दिनों के बाद। हे फैमिली गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम सलाम, केम छो, भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रहुआ सब। तो आज बच चुके हैं अभी दोपहर के 12, फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो ब्लॉग देखिएगा लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा। और हमारी एनिवर्सरी दिसंबर में ही है, कब है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज हम जा रहे हैं कहीं, प्लान है हमारा सरप्राइज़ देने का पूजा को, तो फिलहाल आज हम लेके जा रहे हैं पूजा को सरप्राइज़ देने के लिए। एक्चुअली आपको बता देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, कौन सा मूवी है वो गेस कर लो आप। हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, पति देव बोले कि आज मूवी देखने चलते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, बिकॉज बहुत टाइम बाद हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए साथ में। और मैं नीचे आ चुकी हूँ, भी आ चुके हैं हम अपने शॉप के पास, और वाइपर में पानी नहीं था तो पति देव पानी रख रहे हैं। हम जा ही रहे थे कि रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा हाथी मिलता है हमें, बहुत ही प्यारा था। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने। तो काफी लंबे टाइम के बाद वो 12:40 हो रहे हैं, और आज पूजा के लिए सरप्राइज है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए काफी लंबे टाइम के बाद। हाँ। क्योंकि लाइफ में चल रही है बहुत सारी परेशानी, और अभी तक उस परेशानी से जूझ रहे हैं। मतलब लगभग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है, बट कहीं ना कहीं वो परेशानी जो है ना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, पकड़ी हुई है। बट आई होप कि जल्दी सब क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि सब कुछ आप लोग के सामने रखें और इसे एक अच्छे खासे लेवल पे हम लेके जाएं और आप लोग के बीच रखें, आप लोग बताएं कि हाँ क्या चल रहा है। अभी फिलहाल फैमिली के तरफ से पाबंदी है जिसकी वजह से हम आपसे बहुत कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ अभी थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है, तो इसी बीच हमने टाइम निकाला है और आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। और आपको पता होगा कि मूवी कौन सी देखने जा रहे हैं, अभी एकदम से सभी जगह एकदम धमाल मचा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करिएगा जहाँ रील पे देखो सभी जगह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वैसे कमेंट करके पहले आप बताइएगा कि हम लोग कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, और आप लोग भी कौन सी मूवी अभी देख रहे हो या देख लिए हैं वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोगों ने आई होप कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया है तो कमेंट कर दो। वैसे हम आपको बता देते हैं कि हम जा रहे हैं रणवीर कपूर की न्यू मूवी जो आई है एनिमल, वो देखने के लिए। फाइनली हमने अपना टिकट जो है ना वो बुक कर लिया है, 1:20 का हमारा शो है और 12:40 हो रहे हैं, हमारे पास 40 मिनट टाइम है, 40 मिनट में हमें पहुंचना है लगभग 20 किलोमीटर, पहुंच ही जाएंगे टाइम पे पहुंच जाएंगे हम लोग। वैसे तो और हम लोग हमेशा लेट होते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे मूवी हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा लेट ही होते हैं, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। आपको रिव्यू देंगे कि कैसा है ये मूवी। चलो चलते हैं जल्दी से, अब शिवांश को लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि मूवी देखने नहीं देगा, और साथ ही बच्चों के लिए शायद मूवी है नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड साउंड, बहुत सारी इशू है। हाँ। और उसको ऐसे भी उस मूवी को ना A+ सर्टिफिकेट मिला है यानी एडल्ट का, तो शायद 18+ के ही लोग जाएंगे, 18 से नीचे वाले नहीं जाएंगे देखने के लिए। तो चलो देखते हैं मूवी और आपको भी एंजॉय करवाते हैं। लास्ट टाइम KGF 2 देखने गए थे तो उसमें बहुत ज्यादा साउंड था, बहुत आवाज था, जिसकी वजह से मैं, मम्मी और शिवांश बाहर ही थे, ये दोनों भाई मूवी देख रहे थे और हम मम्मी और बउआ बाहर बैठ के उसका नाटक देख रहे थे। ये है हमारे एनिवर्सरी का सरप्राइज, मुझे मिल रहा है, अभी मेरा माइक आ गया है, बातें करते करते मैं मायके से गुजर रही हूँ अपना घर देखते हुए। अरे मम्मी पापा दोनों थे ना, कहाँ जा रहे हैं? पूछ रहे जा रहे कहीं, बाइक पे बैठे मम्मी भी जा रही है। अच्छा कॉल करती हूँ। तो अभी अभी मैंने मम्मी पापा को देखा, मम्मी पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, मार्केट जा रहे थे। हाँ इसी टाइम पे जाती ही है, जब छठ हो जाता है तो मम्मी चंडीगढ़ जाती है क्योंकि अभी फ्री टाइम रहता है ना जनवरी में। हाँ, व्रत ये सब हो जाता है उसके बाद फ्री टाइम रहता है, तो इस वजह से रूम वगैरह हम भी जाते हैं। और मम्मी चंडीगढ़ जा रही है, मेरी एनिवर्सरी में नहीं रहेगी मम्मी, पापा रहेंगे, पापा नहीं जा रहे।
हे फैमिली, तो हम लोग हाजीपुर पहुंच चुके हैं मार्केट में, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ है। हम लोग टाइम से पहुंच जाते बट अब लग रहा है कि लेट हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। वो भी छूट जाएगी क्या स्टार्टिंग की? कर भी क्या सकते हैं, ये देखिए ट्रैफिक चीटी की तरह चल रही है हमारी कारी। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर पहले चलते हैं ताकि मुझे आईब्रो बनवाना था तो पार्लर भी चली जाऊंगी। ये लो मूवी छूट रही है, पहले क्या पहुंचे, लेट से ही पहुंचे। कितना मॉर्निंग से उठी, जल्दी जल्दी सारा काम किया और कपड़े भी नहीं धोए थे। मैंने सोचा कि लेट हो जाएगा, इस वजह से कपड़े भी नहीं धोई थी जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी लेट। पतिदेव अभी मुझे फोन देके कह रहे हैं कि डेट और टाइम देखो कि आज का ही है ना, कल का तो नहीं है। अभी देखते हैं, पता लगता है। हमारा 1:20 का टाइम था और 1:25 हो रहा है, मूवी स्टार्ट हो गई होगी। 5 मिनट छूट गया है, बाकी 10 मिनट और छूटेगा। ट्रैफिक की वजह से हम लोग आदिपुरुष भी देखने गए थे तो हम लोग को छूटा था। हाँ, हम लेकिन हम लोग तो टाइम से ही चले हैं ना, ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। Take the next right onto cinema road, then turn right. तो हम आ चुके हैं अभी पार्किंग में और हमारी मूवी 5 मिनट तो छूट ही चुकी है, बस पहुंच ही चुके हैं हम लोग। यहाँ पे टिकट ये सब लेना पड़ेगा शायद। चलिए जल्दी 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 पार्किंग भी। मूवी देखते देखते अचानक से पिक्चर ही गायब हो गया था और वॉइस आ रही थी, पिक्चर नहीं आ रही थी। बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। ये फैमिली तो इंटरवल आया हुआ था और हम लेके आए समोसे पॉपकॉर्न। अच्छा है ना समोसा? अच्छा है, खाते हैं तब तक हमारी मूवी भी आ जाएगी। ठीक है, इसको मूवी हो चुका है खत्म और अब हम लोग यहाँ से मूवी हमने देख लिया। और कैसा लगा मूवी? ठीक था। इनको आधा अच्छा लगा, इंटरवल के बाद ये बोर होने लगे, बोले कि चलो चलो मूवी खत्म, मतलब पूरी खत्म नहीं हुई थी मूवी और हम लोग चल दिए। ऐसे अच्छी थी। और शिवान से भी बात की मैंने और मुझे आईब्रो भी बनवाना है तो देखते रहना है, नहीं तो छूट जाएगा। आईब्रो बनवा लिया है मैंने और कभी भी अगर हाजीपुर जाती हूँ और उधर बनवाना होता है आईब्रो तो मैं यहीं पे आती हूँ। अभी हम लेंगे शिवांश के लिए पेरा और जब भी हम लोग हाजीपुर से इधर जाते हैं ना तो यहीं से पेरा लेके जाते हैं। आ गया है पेड़ा लाइन। हे फैमिली, तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और पतिदेव मुझे घर पे छोड़ के फिर गए हैं शॉप पे और वो थोड़ी देर बाद आएंगे। और शिवांश को मुझसे मतलब ही नहीं है, पलक बुआ को ढूंढ रहा है, खिड़की से चिल्ला रहा है पलक बुआ आइए पलक बुआ आइए, पलक बुआ नहीं आ रही है बेटा, चिल्लाए जा रहा है। इसको पलक बुआ के साथ खेलना है। बेटा बुआ खाना खा के आएगी, बुआ खाना खा के आएगी आपके साथ खेलने के लिए। हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।